आज मैं नैनीताल के उन घने जंगलों में ट्रैकिंग करने वाला हूं जहां आदमी जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। उन जंगलों का नाम सुनते ही आदमी के माथे पर पसीना आ जाता है, इसलिए मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है। कुछ मैंने अपने काम की चीजें रख ली हैं जो मुझे जंगल में काम आएंगी। अगर रात हो गई तो मैं इन चीजों से रात को वहां पर रह सकता हूँ। मेरा बैग रेडी हो गया है, अब मैं निकलता हूँ। सुबह के 6:50 हुए हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ उन घने जंगलों में। ये आदमी का दिमाग खराब हो गया है जो अकेले इस घने जंगल की ओर बढ़ा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन जंगलों में कोई भी आम आदमी जाने की कोशिश नहीं करता है। देवदारों से भरे हुए जंगल हैं ये। यहाँ नैनीताल के जंगलों में आपको देवदार सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक टाइगर देख लिया है, भाग गया है। ये इस जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं जिसमें चलना बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। मैं अभी एक ऐसे जंगलों में आ चुका हूँ जो अपने आप में डरावना है। पूरा भरा हुआ जंगल है, देवदार के वृक्षों से भरा हुआ जंगल। आप देख सकते हैं यहाँ आपको लेपर्ड कहीं पर भी मिल सकता है, इसलिए आपको अपनी आंखें एकदम पैनी निगाह से हर जगह देखना है। यहाँ दूर दूर तक तुम्हें जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती है वहाँ तक आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं अभी अकेले एक ऐसे जंगल में आया हूँ जहाँ पर आना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। मैं अभी नैनीताल के एक ऐसे जंगल में हूँ जो बहुत ही घना है। यहाँ कभी भी कोई मनुष्य नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो बहुत ही नुकसान आपको कर सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। आखिर मैं एक ऐसे जंगल में फंस चुका हूँ जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब मुझे यहाँ से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मुझे जल्द से जल्द शाम होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ मनुष्य मिल जाए मुझे। ये मनुष्य का दिमाग खराब है, इतने घने जंगल में अकेले जा रहा है। शायद इसे अब भागना चाहिए इससे पहले कि मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे तो बहुत, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बहुत बढ़ चुका है। इसे भागना ही पड़ेगा, नहीं तो और ये मुझे भूख भी लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भाग जा, भाग। आम तौर पर ऐसे मनुष्यों का दिमाग खराब हो जाता है, ये सुर लग जाता है इनको, ये सुर में चलते हैं। ये कुछ नहीं खाएगा जब तक ये अपना काम नहीं करेगा, जब तक जंगल नहीं छानेगा तब तक ये कुछ नहीं खाने वाला है। मुझे कुछ नज़र आ रहा है, लग रहा है मैं कुछ आबादी के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। आखिर मैं आबादी के नज़दीक अब पहुंच चुका हूं। मुझे एक तालाब नज़र आ रहा है, अगर आपको यहां दिख रहा होगा, और इधर आबादी भी है। अब मैं यहां अपना वाहन बुला सकता हूं, मैं यहां से अब घर जा सकता हूं। चलो, आज का ट्रैक भी बहुत मस्त रहा, बहुत मज़ा आया। अब मैं आज कि शाम यहीं गुजारूंगा, कहीं रहने की व्यवस्था देखता हूं। अगर कुछ मिल गया, नहीं तो मुझे जंगल में कहीं पर ही एक छोटा सा झोपड़ा बनाना पड़ेगा। जी, झोपड़े में मुझे अपना खोपड़ा छुपाना पड़ेगा। दोस्तों बने रहिए। मैं अभी एक ऐसे बिहड़ में आ गया हूं जहां से बचना बहुत मुश्किल है। इसे लास्ट में झोपड़ा ही बनाना पड़ेगा। दूर तक झनी घनी झाड़ियों में पेड़ों के खा जाएगा नहीं है। दूसरे दिन लोग ढूंढेंगे तो कुछ अंश मिलेंगे, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। अपने आप को बियर किल समझने लग गया है आदमी। अरे महाराज, अब कहाँ को चल दिए हो?
अपने रात को रहने का ठिकाना बनाओ, नहीं तो कोई खा जाएगा। और भूखे प्यासे हो कुछ खाने की व्यवस्था बनाओ। कहाँ झोपड़ झापड़ों में झाड़ियों में फिर घुसने लगे हो, जल्दी करो, कुछ उपाय बनाओ अपने लिए। ये मनुष्य फिर घने जंगलों की ओर बढ़ चुका है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पता नहीं ये कहाँ जाने वाला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए मकान में पहुँच गया हूँ, मुझे मकान मिल गया है। ये मकान कुछ टाइम का है, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम पड़े थे, तब का मकान है। आज रात को मैं यहीं रहूँगा और कल सुबह बताता हूँ आपको मेरा कैसा रहा रात का सफ़र। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।